हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली गुजराती खांडवी। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इसे 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, जिसमें बहुत ही कम तेल यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम एक कटोरी दही लेंगे। इस दही को हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक कटोरी पानी और पानी को भी दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि पानी और दही बहुत अच्छे से आपस में मिल जाए। अब हम इसमें मिलाएंगे एक कटोरी बेसन और बेसन को भी इस दही और पानी के मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे कंटिन्यूसली मिलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना पड़े और हमें एक स्मूथ बैटर मिल जाए। इसे कंटिन्यू अच्छे से मिलाते रहेंगे, एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए हमारे बैटर में। हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, और इसे भी हम बैटर के में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि हल्दी और नमक पूरे बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग और इसे भी बहुत अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लेना है। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ बैटर और इस बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करना है। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बैटर पैन से लगना नहीं चाहिए। दो से तीन मिनट कुक करने के बाद हमें अपनी फ्लेम लो कर लेनी है और इसे फिर से कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा बैटर थिक होने लगा है। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए हमारा बैटर थिक हो रहा है धीरे धीरे। अब हमारा बैटर अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं एक छोटी प्लेट लूँगी, इसमें मैंने ऑयल लगाया है। इसमें मैं थोड़ा सा बैटर स्प्रेड करूँगी, एवनली स्प्रेड करना है। अब थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए बैटर तो इसे हमें फोल्ड करके देखना है। अगर ये आसानी से फोल्ड हो रहा है इसका मतलब हमारा बैटर कुक हो चुका है। अब हम एक थाली लेंगे, इसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हम हमारा कुक किया हुआ बैटर इस थाली में निकालेंगे और इसे जल्दी जल्दी इवनली स्प्रेड कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसे मैं स्ट्रिप्स में कट कर लूंगी।
अब मैं एक साइड से इस स्ट्रिप को फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। हमें बहुत ही हल्के हाथों से बहुत धीरे धीरे से फोल्ड करना है। ये देखिए हमारी खांड भी तैयार है, ऐसे ही हम बाकी और खांड भी अभी बना लेंगे। अब हम एक तड़का प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने तड़का पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून वाइट सेसमे सीड, 1 बारीक सुथरी हुई हरी मिर्च और कुछ करी पत्ते। हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तड़के को इवनली खांडवी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब हम एक सर्विंग प्लेट में इस खांडवी को बहुत अच्छे से सर्व कर देंगे। और गार्निश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रेटेड कोकोनट। हम ऊपर से इसमें कोकोनट डाल देंगे तो ये बहुत सुंदर दिखने लगेगी। देखिए मैंने इस पे कोकोनट डाल दिया है, ये कितनी सुंदर लग रही है। हमारी खांड भी बनकर तैयार है। आप भी अपने घर पे बनाइए, सबको खिलाइए। यहाँ तक आए हैं तो लाइक